आइए 7E को हल करते हैं। 7D तक हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन की एक्सरसाइज सॉल्व करा चुके हैं। आज की वीडियो में हम 7E देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला, फुटबॉल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स। फुटबॉल जो है सबसे अधिक लोकप्रिय खेल है। इसका आपको करना है पॉजिटिव डिग्री। तो देखिए वन ऑफ जब रहता है तो बताए थे आपको पिछले क्लास में कि वन ऑफ आने पर पॉजिटिव डिग्री में वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू आता है। तो आप शुरुआत में कर दो वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू, उसके बाद तुरंत नाउन आएगा, वो भी प्लूरल नाउन, गेम्स जो एडजेक्टिव के बाद रहता है। तो वेरी फ्यू गेम्स, उसके बाद वर्ब आएगा आर, क्योंकि बहुवचन है, गेम्स बहुवचन है, इधर भले फुटबॉल के बाद ही है। तो वेरी फ्यू गेम्स आर, उसके बाद एज लगता है, फिर पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव जो पॉपुलर है उसको लिख दीजिए। एज पॉपुलर, मोस्ट हट जाएगा तभी पॉजिटिव हो जाएगा, फिर एज करके फुटबॉल हो जाएगा। तो वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज फुटबॉल, यानी बहुत कम ही खेल उतना लोकप्रिय है जितना कि फुटबॉल। तो कहने मतलब फुटबॉल लोकप्रिय खेलों में से एक है। चलिए दूसरा देखते हैं। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड परीक्षा में सब पूछी गई हैं, ठीक है, जो पूछी गई हैं। अब को इंडिकेट है, टैगोर इज द ग्रेटेस्ट बंगाली पोएट। टैगोर सबसे अधिक महान बंगाली कवि हैं। पॉजिटिव बनाना है। अब यहाँ देखिए वन ऑफ नहीं लगा सुपरलेटिव में, तो इसलिए नो अदर से तब पॉजिटिव डिग्री बना जाता है। नो अदर बंगाली पोएट इज सो, नो के साथ सो लगेगा, सो ग्रेट एज टैगोर। ध्यान देना नो अदर के साथ सो एज लगता है, लेकिन आप एक्सीलेंट बुक में ही देखेंगे एग्जाम्पल में नो अदर के साथ एज एज भी लगा है, क्योंकि उसका कारण है कि नो अदर मतलब एज एज का प्रयोग निगेटिव अफर्मेटिव दोनों में लग सकता है। तो गलत वो भी नहीं है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन आप बोर्ड परीक्षा में जब पॉजिटिव डिग्री दिया जाएगा ना कंपेरेटिव सुपरलेटिव, तो नो अदर के साथ सो एज से ही दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में ऐसे ही पूछा है, इसलिए आप उसी रूल से करिए, ठीक ना, कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सही दोनों है, एज एज निगेटिव पॉजिटिव दोनों में आ सकता है, लेकिन सो एज हमेशा निगेटिव में ही आ सकता है, इतना ध्यान। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, चाहे जहाँ चाहे जिस तरह से किताब में हल किया रहेगा, किताब में, सीरीज में, विद्या क्वेश्चन में, गाइड में, जहाँ जितना जगह देखोगे उतने ढंग से लिखा रहता है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हो, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट उसका बता देता हूँ कि सही क्या है और कैसे लिखा जा सकता है। अगला, हर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही, एज सी, तो कंपरेटिव बनाना है, तो सी कर दीजिए पहले, इज कर दीजिए, इंटेलिजेंट का कंपरेटिव डिग्री बना दीजिए, मोस्ट मोर इंटेलिजेंट, सी इज मोर इंटेलिजेंट, फिर दैन करके फिर शुरुआत वाला सब्जेक्ट हर ब्रदर, सी इज मोर इंटेलिजेंट दैन हर ब्रदर, वह अपने भाई से अधिक बुद्धिमान है। कहने मतलब उसका भाई उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि वह है, बात एक ही हुआ। अगला कह रहा है मिल्क इज मोर नरिशिंग दैन एनी अदर फूड। मिल्क किसी भी अन्य फूड से अधिक पौष्टिक देन पौष्टिक पौष्टिक युक्त है, नरिशिंग माने पोषण देने वाला। तो अब इसको पॉजिटिव बनाना है, तो एनी अदर को हम पॉजिटिव डिग्री में बनाते, एनी का नो हो जाता, नो अदर फूड हो जाएगा, तो उसके बाद वर्ब इज लग जाएगा, नो अदर फूड इज नरिशिंग का पॉजिटिव डिग्री सो एज के बीच में लिख देंगे, सो नरिशिंग, सो नर्सिंग, फिर एज लगा देंगे, एज के बाद शुरुआत वाला सब्जेक्ट मिल्क लिख देंगे। तो नो अदर फूड इज सो नरिशिंग एज मिल्क, कोई अन्य भोजन उतना पोषण देने वाला नहीं होता जितना कि दूध, कहने का मतलब दूध ज़्यादा पोषण देने वाला होता है किसी भी अन्य फूड से, क्योंकि वो संपूर्ण आहार कहा जाता है। अगला है हरी इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। तो वन ऑफ आया है तो वेरी फ्यू या ओनली अ फ्यू लगेगा, उसके बाद स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आ जाएगा, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर एज, फिर बेस्ट के को गुड में बदल देंगे, एज गुड एज हरी, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर एज गुड एज हरी, इस स्कूल के बहुत कम ही विद्यार्थी उतने अच्छे हैं जितना कि हरी, कार्य मतलब हरी अच्छे विद्यार्थियों में से एक। छठवां वाक्य है,
बंगलुरु इज द क्लीनेस्ट ऑफ इंडियन टाउन्स. बंगलुरु जो है कह रहे हैं कि क्लीनेस्ट माने सबसे स्वच्छ है ऑफ द इंडियन टाउन्स माने भारतीय कस्बों में से. बंगलुरु जो है भारतीय कस्बों में सबसे स्वच्छ है. कह रहे मतलब सबसे ज़्यादा स्वच्छ इसी को बताया गया है, तो बिना वन ऑफ वाले नियम से बनेगा. वन ऑफ वाला नियम इसमें नहीं लगेगा क्योंकि वर्ब के बाद तुरंत सुपरलेटिव डिग्री आ गया. ठीक, अब तो करना क्या है, इसको पॉजिटिव बनाना है तो नो अदर से बनेगा ये. नो अदर, उसके बाद इंडियन टाउन लिखा जाएगा. ध्यान देना टाउन में से हम यस हटा देंगे क्योंकि नो अदर के साथ ग्रामर का रूल है कि एक वचन का नाउन आता है और वेरी फ्यू के साथ बहुवचन का आता है. ठीक, तो नो अदर इंडियन टाउन यस हटा दीजिए. इससे नहीं मतलब है यहाँ क्यों यस लगा उसको जान लीजिए. उसको भी आफ जो है आफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, ये ग्रामर का रूल है क्योंकि आफ माने होता है में से. भारतीय कस्बों में से सबसे स्वच्छ है तो में से, तो जब ज़्यादा रहेंगे तभी तो उनमें से बताया जाएगा एक को बेस्ट, तो बंगलुरु को, तो इसलिए वहाँ लगा है. लेकिन आफ जब यहाँ नहीं रहेगा तो यस नहीं जुड़ेगा टाउन में. तो नो अदर इंडियन टाउन जब एक बचन का नाउन है तो इज लगेगा. इज हाँ सो क्लीन, सो क्लीन आयज करके फिर बंगलुरु कर दिया. नो अदर इंडियन टाउन, कोई अन्य भारतीय कस्बा नहीं इज सो क्लीन उतना स्वच्छ है जितना कि बंगलुरु. कहने मतलब बंगलुरु सबसे स्वच्छ है. अगला अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स. अशोक सबसे अधिक महान शासकों में से एक था, तो पॉजिटिव डिग्री है तो वेरी फ्यू कर दीजिए. वेरी फ्यू रूलर्स वर सो ग्रेट एज अशोक. अगला कहने मतलब बहुत कम ही शासक उतना महान था जितना कि अशोक, यानी अशोक महान शासकों में से था. नो अदर बिल्डिंग इज एज ग्रैंड एज द ताज, तो द ताज आप पहले कर दीजिए. मतलब कह रहे कोई अन्य बिल्डिंग उतना शानदार नहीं जितना कि ताज, तो कहने मतलब ताज जो है किसी भी अन्य बिल्डिंग से अधिक शानदार है. तो इस तरह से हो जाएगा द ताज इज, ठीक है, ग्रैंडर. ग्रैंड का ई आर जोड़ देंगे, ग्रैंडर, जी आर ए एन डी ई आर, ग्रैंडर देन एनी अदर. देन करके फिर नो अदर का एनी अदर हो जाता है, देन एनी अदर बिल्डिंग, बस इतना ही करना. द ताज इज ग्रैंडर देन एनी अदर बिल्डिंग, ताज जो है किसी भी अन्य बिल्डिंग से अधिक शानदार है. अगला है मुंबई इज द बेस्ट सी पोर्ट इन इंडिया. कंपेरेटिव बनाना है तो सुपर सब्जेक्ट वर्ब वही रहता, बेस्ट का हो जाएगा बेटर. मुंबई इज बेटर, उसके बाद बेटर के साथ हम देन एनी अदर भी लगा देते हैं क्योंकि इसमें देखिए कंपेरेटिव सुपरलेटिव में वन ऑफ नहीं लगा है, तो देन के साथ एनी अदर हम लगाते हैं. देन एनी अदर उसके बाद सी पोर्ट इन इंडिया जोड़ देंगे, तो मुंबई इज बेटर देन एनी अदर सी पोर्ट इन इंडिया. मुंबई भारत में किसी भी अन्य समुद्री बंदरगाह से अधिक अच्छा है. सी पोर्ट वन होता बंदरगाह, जो समुद्री बंदरगाह होता बंदरगाह, जैसे जहाँ पानी वाली जहाज़ें आके रुकती हैं उसे बंदरगाह कहते हैं. अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. कंपेरेटिव बनाना है तो वन ऑफ हटा दीजिए, सब्जेक्ट पर वही रहे, ग्रेटेस्ट का ग्रेटर हो जाएगा, अशोक वाज ग्रेटर हो जाएगा, जी आर ए टी ई आर. अब उसके बाद देखिए वन ऑफ है तो ग्रेटर के बाद देन मेनी अदर लगेगा, देन मेनी अदर, उसके बाद किंग्स है. वैसे भी जान लीजिए कि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, तो जब ज़्यादा लोग रहें तो एनी नहीं लगेगा, मेनी लगेगा. क्लियर, तो ग्रेटर देन मेनी अदर. हाँ मेनी अदर की जगह मोस्ट अदर भी आपको मिल जाएगा किताब में, उस वाक्य में एक्सीलेंट में ही मिल जाएगा आपको, मोस्ट अदर भी लगाया है. तो मेनी अदर मोस्ट अदर दोनों लगता है अगर वन ऑफ सुपरलेटिव में है तो. क्लियर, कंपेरेटिव मेनी अदर मोस्ट अदर, मेनी अदर माने कई अन्य, मोस्ट अदर माने अधिकांश अन्य, दोनों का लगभग एक ही सिलसिला. अगला है हाँ तो देन मेनी अदर किंग्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. अगला है कार्स रन फास्टर देन हार्सेज. तो पॉजिटिव बनाना है तो हार्सेज को पहले कर दीजिए, हार्सेज डू नॉट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो डू नॉट रन फास्टर का हो जाएगा सो फास्ट. सो लगा के हम फास्टर का फास्ट कर देंगे, एज करके शुरू वाला सब्जेक्ट कार्स हो जाएगा. तो हॉर्सेज डू नॉट रन सो फास्ट एज कार्स, घोड़े उतना तेज नहीं दौड़ते जितना कि कार, कहने मतलब कार घोड़ों से अधिक तेज दौड़ते हैं. वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर एज बिग एज मुंबई. बारहवां, बहुत कम ही शहर भारत में उतना बड़े हैं जितना कि मुंबई, तो करना क्या है कंपेरेटिव, तो हो जाएगा कंपेरेटिव में एज के बाद वाला हम पहले कर देते हैं.
मुंबई की पॉजिटिव में जो एज के बाद आया तो उसको हम कंपेरेटिव या सुपरलेटिव में एज के बाद वाले सब्जेक्ट को पहले लिख देंगे। तो हो जाएगा मुंबई इज हाँ। अब उसके बाद बिग का बिगर हो जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री लिखा जाता सब्जेक्ट वर्ब के बाद हमेशा, कंपेरेटिव डिग्री में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के बाद जो है कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव लिखा जाता। तो कंपेरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव क्या हो जाएगा बिग का, बिगर। बिगर में ध्यान देना डबल जी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ग्रामर का रूल है अगर किसी शब्द के अंत में एक व्यंजन हो और उसके पहले एक स्वर हो तो जब कोई भी वावल स्टार्टिंग वर्ड ई आर या ई डी कुछ भी जोड़ा जाएगा तो एक व्यंजन बढ़ जाएगा, तो डबल जी हो जाएगी। तो मुंबई इज बिगर देन करके हम कर देंगे मेनी अदर, क्योंकि वेरी फ्यू है इसलिए मेनी अदर लगेगा या मोस्ट अदर, देन मेनी अदर सिटीज इन इंडिया, ठीक। मुंबई इज बिगर देन मेनी अदर सिटीज इन इंडिया। अगला 13वां वाक्य है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो ऑनेस्ट, मैं उससे इतना ईमानदार होने की आशा नहीं किया था। तो कंपेरेटिव करना है, मैं उससे इतना ईमानदार होने की आशा नहीं किया था, कहने मतलब वह अधिक ईमानदार है जितना कि मैं आशा किया था। तो हो जाएगा ही, यहाँ इसमें क्या है कि हिम का ही कर देंगे क्योंकि इसमें दूसरे हिम से जोड़ दिया गया, काम सिंपल सेंटेंस बना दिया गया ना, उसको हमको कॉम्प्लेक्स में करना है। तो हिम से ही हो जाएगा ही इज, और टू बी का इज हो जाएगा क्योंकि बी माने होना, तो ही के साथ तो बी आ नहीं सकता है, टू के साथ भले आ सकता है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखना, तो इज हो जाएगा ही इज ऑनेस्ट का। हम मोर ऑनेस्ट बना के लिखेंगे कंपेरेटिव डिग्री में, ही इज मोर ऑनेस्ट, फिर देन लगा देंगे, ठीक है। देन के बाद शुरुआत में आई लग सब्जेक्ट लिखेंगे आई, और डिड नॉट को हम, डिड नॉट एक्सपेक्ट को हम अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो एक्सपेक्टेड हो जाएगा, देन आई एक्सपेक्टेड, क्लियर। तो इसमें हम निगेटिव को अफर्मेटिव में भी इस तरह से बना देते हैं, ही इज मोर ऑनेस्ट देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब वो अधिक ईमानदार है जितना मैं आशा किया था, कहने मतलब मैं आशा नहीं किया था उससे इतना ईमानदार होने की, दोनों एक ही चीज़ है ना, मैं उससे इतना ईमानदार होने की आशा नहीं किया था, मतलब क्या, वह अधिक ईमानदार है जितना मैं आशा किया था, क्लियर। yes. दोनों बात एक ही है। अगला है लता इज बेटर देन मेनी अदर सिंगर्स, ठीक है। अगर आपको कम समझ में आए तो 13वां वाला, तो इस तरह के वाक्य आपको किताब में भी दिए गए हैं, पीछे भी एक्सरसाइज में बताए गए हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लता इज बेटर देन मेनी अदर सिंगर्स, तो पॉजिटिव बनाना है तो मेनी अदर सिंगर्स, तो वेरी फ्यू लगा दीजिए, मेनी है कंपेरेटिव में, तो मेनी अदर का हो जाएगा वेरी का पॉजिटिव बनाएंगे, वेरी फ्यू कर दीजिए, अगर वेरी फ्यू ना करना चाहो तो एक और शब्द है ओनली ए फ्यू, इसका भी मतलब केवल कुछ ही, और वेरी फ्यू माने बहुत कम, ठीक, दोनों चलता है, वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू। उसके बाद हम करते हैं क्या, नाउन लिखते हैं बहुवचन सिंगर्स, उसके बाद बहुवचन की वर्ब लगा देते हैं आर, वेरी फ्यू सिंगर्स आर या ओनली ए फ्यू सिंगर्स आर। फिर उसके बाद हम आयज कर देंगे आयज, फिर बेटर का कम पॉजिटिव डिग्री गुड, आयज गुड आयज लता, बस हो गया, वेरी फ्यू सिंगर्स और एज गुड या ओनली ए फ्यू सिंगर्स आर आयज गुड आयज लता। अगला है ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास ऑफ हिज क्लास, वो अपनी क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, करना क्या है पॉजिटिव, सबसे अच्छा है तो नो अदर, कोई अन्य है नहीं, इस तरह से बनेगा पॉजिटिव, नो अदर, उसके बाद बॉय ऑफ हिज क्लास, इतना रहेगा, उसके क्लास का कोई अन्य लड़का नहीं। उसके बाद हम इज लगाएंगे, फिर सो का प्रयोग करके बेस्ट का क्या हो जाएगा गुड, फिर एज करके अगला सब्जेक्ट ही। अगला, नेपोलियन वाज द ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ हिज टाइम, तो अब कह रहे हैं कि पॉजिटिव बनाना है तो नो हिस्से ही बनेगा, नो अदर जनरल ऑफ हिज टाइम, ठीक, वाज हो जाएगा पास्ट में है, वाज सो ग्रेट एज नेपोलियन, नो अदर जनरल ऑफ हिज टाइम वाज सो ग्रेट एज नेपोलियन, अपने समय का कोई अन्य जनरल उतना महान नहीं था जितना कि नेपोलियन। हर इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज ऑफ हिज क्लास, तो पॉजिटिव डिग्री बनाना है, तो वन ऑफ है तो पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू या ओनली ए फ्यू से बनेगा, वेरी फ्यू, उसके बाद बॉयज ऑफ हिज क्लास, जो एडजेक्टिव बाद नाउन रहा था और अन्य शब्द पूरा लिख दिए जाते हैं, वेरी फ्यू बॉयज ऑफ हिज क्लास, इसका आर हो जाएगा क्योंकि भाई बॉयज हैं बहुवचन है, वेरी फ्यू के साथ बहुवचन नाउन आता है, वेरी फ्यू बॉयज ऑफ हिज क्लास और आयज करके बेस्ट का क्या हो जाएगा गुड, आयज करके हरी, आर एज गुड एज हरी। अगला है वेरी फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज क्रिकेट,
तो इसका हो जाएगा, करना क्या है, सुपर लेटू बनाना है। कहो करें बहुत कम ही खेल उतना लोकप्रिय जितना कि क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट जो है सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। तो सबसे पहले आप क्रिकेट लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ फेरी फ्यू के साथ बहुवचन लगता है, लेकिन क्रिकेट को बनाएंगे तो एक वचन हो जाएगा। क्रिकेट इज, उसके बाद पॉपुलर का सुपर लेटू बनाएंगे, द मोस्ट, द मोस्ट पॉपुलर, क्रिकेट इज द मोस्ट, सॉरी द मोस्ट तो लगाएंगे, लेकिन द मोस्ट के पहले एक चीज़ और लगा लीजिए, वन ऑफ भी लगा लीजिए, वन ऑफ, क्योंकि वेरी फ्यू है ना, तो जब वेरी फ्यू पॉजिटिव रहता है तो सुपर लेटू में वन ऑफ आता है, और सुपर लेटू में वन ऑफ रहता है तो वेरी फ्यू बनता पॉजिटिव। ठीक, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम, ठीक है, पॉपुलर गेम्स, क्योंकि वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन ही आता है, इधर भी है भाई। क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स, क्रिकेट जो है सबसे अधिक लोकप्रिय खेलों में से एक है। सम ग्रेन्स आर एटलीस्ट एज न्यूट्रिशियस एज राइस, कुछ अनाज कम से कम उतना न्यूट्रिशियस माने होता पौष्टिक, उतना पौष्टिक है जितना कि चावल। तो अर्थ के अनुसार इसमें कुछ अनाज कम से कम उतना पौष्टिक है जितना कि चावल, तो कहने मतलब चावल जो है सबसे अधिक पौष्टिक अनाज नहीं है, तो निगेटिव बनेगा। तो सुपरलेटिव में ही बनाना है, तो आपको करना है राइस पहले कर दीजिए, आइस के बाद वाला ये पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है ना, तो पॉजिटिव डिग्री में आइस के बाद जो आता है सुपरलेटिव या कंपरेटिव पहले होता है, तो आप कर दीजिए राइस इज नॉट भी लगा दीजिए, राइस इज नॉट, उसके बाद द मोस्ट लगा देंगे, सुपरलेटिव बनाना है, न्यूट्रिशियस का सुपरलेटिव डिग्री होगा मोस्ट न्यूट्रिशियस, ठीक है, जिसके अंत में ओयस रहता है उसमें मोर और मोस्ट लगा के बनाते हैं कंपरेटिव पर। राइस इज नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस पौष्टिक होता है, न्यूट्रिशियस, ठीक है। ग्रेन्स, ग्रेन कह दीजिए, जी आर ए आई एन, राइस इज नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशियस ग्रेन, राइस जो है सबसे अधिक पौष्टिक अनाज नहीं है, ग्रेन में यस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वन ऑफ रहता है तब करता है, या सम अदर रहता है कुछ अन्य तब बहुवचन बनाया जाता है, क्लियर, या वेरी फ्यू ओनली अ फ्यू के साथ। तो राइस इज नॉट द मोस्ट न्यूट्रिशियस ग्रेन, चावल जो है सबसे अधिक पौष्टिक अनाज नहीं, कहने मतलब कुछ अन्य अनाज भी उतना पौष्टिक है कम से कम जितना कि चावल। ही इज एज डल एज एन एस, वह उतना डल माने मूर्ख भी होता है, नीरस होता है, उतना मूर्ख है जितना कि एक गधा, तो कहने मतलब कंपरेटिव बनाना है, तो आप एन एस को पहले करेंगे, एन एस इज नॉट, डल का कंपरेटिव डिग्री होता है डलर, ई आर जोड़ेंगे, तो एन एस इज नॉट डलर देन ही, मतलब गधा, ठीक है, उतना अधिक मूर्ख नहीं होता जितना कि वह, कहने मतलब वह भी कम से कम उतना मूर्ख है जितना कि गधा। एन एस इज नॉट डलर, क्योंकि भाई निगेटिव बनाने का ये है कि इसमें पॉजिटिव में नॉट नहीं है, तो कंपरेटिव में नॉट लगा देते हैं कि एन एस इज नॉट डलर देन ही। चलिए फिर अब आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में आपको सिंटैक्स का चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, 7E का भी इसके बाद हम आपको सब जो बचा है ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो जाएगा सब, फिर बाद में सबको हम एक वीडियो में जो है एडजस्ट कर देंगे, कंप्लीट मास्टर वीडियो, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।